हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद है ठीक होगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यार, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी डिलीटेड कॉन्टैक्ट को कैसे रिस्टोर कर सकते हो, चाहे कि वो आपने अभी डिलीट किया हो या 2-3 दिन पहले डिलीट किया हो या 1 हफ्ता पहले या 1-2 साल हो रहे हो आपने कॉन्टैक्ट को डिलीट किया, उसको कैसे रिस्टोर करना है मैं आज आपको वो सिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जिस टाइम पर आपने कॉन्टैक्ट डिलीट किया था उस टाइम पर आप जो गूगल आईडी यूज़ कर रहे थे वो गूगल आईडी इस टाइम पर होना मस्ट है। अगर वो नहीं है आपके पास, वो वाली गूगल आईडी नहीं है जिस टाइम पर आपने डिलीट किया, सच एज आप ले लीजिए जैसे आपने पिछले साल आप कोई गूगल आईडी यूज़ कर रहे थे, ठीक है, और उस टाइम पर आपने कोई कॉन्टैक्ट डिलीट किया है, ठीक है, उस टाइम पर आपने कोई कॉन्टैक्ट डिलीट किया है तो वो कॉन्टैक्ट अगर आपको रिस्टोर करना है तो इस टाइम पर आपके पास वो गूगल आईडी होना मस्ट है। अगर वो नहीं होगी तो आपका कॉन्टैक्ट रिस्टोर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने ये आपको वीडियो को पहले ही बता दिया क्योंकि वरना बाद में भाई बहुत से लोग कहते हैं कि वीडियो फेक है, तो भाई ऐसा नहीं है। मैं अपने चैनल पर बिल्कुल ऐसी वीडियोज़ बनाता हूँ जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना ना भूलना और साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक कर देना, क्योंकि सब आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो मैं सबसे पहले आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखा देता हूँ कि इस टाइम पर क्या उसका हाल है। तो आप यहाँ देख सकते हो इस टाइम पर मेरे पास 179 कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है, आप देख सकते हो 179 कॉन्टैक्ट्स है। और अभी मैं जब रिस्टोर करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत से कॉन्टैक्ट्स को डिलीट किया, अभी जब मैं रिस्टोर करूँगा अपने कॉन्टैक्ट्स को आप देखना कि ये बिल्कुल काम करती है ये ट्रिक। और मैं आपको एक लाइव डेमो भी दिखाता हूँ कॉन्टैक्ट में जाके, हालांकि ये जैसे ये नंबर है 4, ठीक है, मैं इन चारों नंबर को डिलीट कर देता हूँ। मैंने चारों नंबर को डिलीट कर दिया, आप देख सकते हो 175 है, और भी वो चारों नंबर भी वापस आ जाएगा और जो मेरे पुराने नंबर थे जो मैंने डिलीट कर दिए तो वो सब भी वापस आ जाएगा, क्योंकि मैं वही गूगल आईडी यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी सेटिंग में जाना है, ठीक है, वहाँ पर आपको एक आपको स्क्रोल करते जाना है, यहाँ पर गूगल का ऑप्शन आता है, ठीक है, ये गूगल का एक ऑप्शन आता है, आपको वहाँ जाना है, ये हर मोबाइल में होता ही होता है, ठीक है। यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ आप देख सकते हो रीस्टोर कॉन्टैक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रीस्टोर कॉन्टैक्ट, ठीक है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपका गूगल अकाउंट वो गूगल का मेल सेलेक्ट करने के लिए बताएगा, तो आप यहाँ से अपने गूगल का मेल सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ आप देख सकते हो डिवाइस बैकअप, ठीक है, डिवाइस बैकअप मैंने आज ही बैकअप लिया था कि भाई वीडियो बनाने से पहले मैं टेस्ट कर रहा था कि काम कर रही है नहीं कर रही, तो भाई काम हुई थी, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ रिस्टोर कर लेता हूँ, मतलब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली जाना है, यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है आपको रिस्टोर का, वहाँ से आपको रिस्टोर कर लेना, ठीक है, रिस्टोर हो रहा है, आप ऊपर देख सकते हो रिस्टोरिंग 3, ओके, आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो कॉन्टैक्ट रिस्टोर्ड, ठीक है। तो हम सब कुछ यहाँ से हटा के सीधे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कितने कॉन्टैक्ट हुए हैं अब हमारे। ओ माय गॉड, यहाँ देख सकते हो अब 324 कॉन्टैक्ट हुए हैं, बल्कि हमारे पास 175 कॉन्टैक्ट थे और वो चारों कॉन्टैक्ट भी दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए यही वो चार कॉन्टैक्ट है ना, ये यही वो चार कॉन्टैक्ट है जो हमने डिलीट कर दिए थे, बट वो भी आ गए हैं, वो भी रिकवर हो गए, और मेरे कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स जो थे वो भी आ गए, 175 से 324 कॉन्टैक्ट हो गए हैं। तो भाई बहुत इजी ट्रिक थी, बट एक चीज़ को याद रखिएगा, जो जिस टाइम पर आपने डिलीट किया था अपने कॉन्टैक्ट को उस टाइम की गूगल आईडी इस टाइम पर आपके पास होना मस्ट है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।